इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से, एन इलिटरेट ट्राइबल वॉरलॉर्ड। एक दिन ये बहुत बीमार पड़ गया और उसके जितने हकीम थे सब नलायक निकले, कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। तब किसी ने कहा कि नालंदा के आयुर्वेद के आचार्य राहुल श्री भद्र जी को बुला लो, वो आपको ठीक कर देंगे। खिलजी गुस्से में जोर से चिल्लाया और कहा कि मैं किसी हिंदुस्तानी से मेरा इलाज नहीं कराऊंगा। बट कुछ दिन बाद उसकी हालत और खराब हो गई, तब उसने थक हार के राहुल श्री भद्र जी को बुला ही लिया। उनके आते ही खिलजी ने कहा, मैं आपकी दी हुई कोई दवाई नहीं खाऊंगा। आचार्य ने कहा, मैं आपको कोई दवाई नहीं दूंगा। एंड हैंडेड हिम द होली कुरान एंड आस्क्ड हिम टू रीड सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस बट टचिंग ईच एंड एवरी वर्ड विद हिज फिंगर्स। खिलजी कुरान को मना नहीं कर पाया और पढ़ने लगा और कुछ दिनों में एकदम ठीक हो गया। बट हाउ? आचार्य ने कुरान के सारे पन्नों पे दवाई लगा दी थी। अब जब खिलजी हर एक शब्द को हाथ लगा के पढ़ता तो उसके हाथ पे दवाई लग जाती, ऐसे ही दवाई उसके सिस्टम में पहुंच जाता था। जब खिलजी को ये पता चला, उसे इतना गुस्सा आया ये सोच के कि हिंदुस्तानियों को कैसे मेरे हकीमों से ज्यादा पता है, इनके नॉलेज के सोर्स को ही तबाह कर देते हैं। और उसने नालंदा पे हमला कर दिया। नालंदा 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स, 3 9 स्टोरीड लाइब्रेरीज विच हैड 9 मिलियन बुक्स इन इट। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता था। दुनिया भर से लोग आते थे यहाँ पर। ये एसआई ने सिर्फ 20% एक्सकवेट किया है इसे। नोबडी नोज हाउ मच मोर इज स्टिल अंडर द ग्राउंड। खिलजी ने हजारों बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया। 3 महीने तक जल रहा था नालंदा और उसकी किताबें। एक रेलवे स्टेशन का कोड देता हूँ मैं आपको, BKP। देखिए आज भी किसका नाम है वहाँ। एक चीज बताना तो भूल ही गया, years later, राजा पृथ्वीराज बीट द शिट आउट ऑफ बख्तियार खिलजी व्हेन ही ट्राइड टू एंटर असम। जय श्री राम।